हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। आपके विचार और मैं भी बीच बीच में हम लोग। हाँ बच्चे। जय हिंद सर, मेरा नाम अंजलि कादर, मैं पंडित नेकीराम कोहली से सिर्फ और सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछने आई हूँ। सबसे पहले आपका मैं बहुत दिल से आभार करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर एक देश नंबर वन तभी बन सकता है जब एक देश की बेटी नंबर वन बने, क्योंकि सर हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं। सर हम अपने माँ बाप को कह के कि हम बाहर निकल रहे हैं और हमें वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं मिल रही कि हमारे हो रहे हैं ये, तो सर ये जरूर होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात हमारे दिल की बात है। मैं सहमत हूँ, ये इनके दिल की बात, इन्होंने अपनी नहीं बल्कि जितनी बेटियाँ आज अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, किसी काम के लिए निकलती है, उनके माँ बाप को इतनी चिंता रहती है कि पता नहीं सुरक्षित वापस आएगी क्या, बच्चियों को इतनी चिंता रहती है कि हम सुरक्षित वापस जा पाएंगे क्या। इसी वजह से कई बेटियां आगे पढ़ने या नौकरी करने से वंचित रह जाती हैं। अगर हम अपनी बच्चियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर, लानत है ऐसे सिस्टम के ऊपर। यहाँ पे मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, इसमें सारे पूरे सिस्टम की बात है कि आज 75 साल के बाद जब हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करती। क्या हम अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब भगवंत जी की सरकार बनी थी पंजाब के अंदर, हम घर घर में जाके यही बोलते थे कि ऐसा क्यों है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एसपी की, डीएसपी की, आईजी की, डीआईजी की, इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है तो उसमें पैसे चलते हैं। जब उसमें पैसे चलते हैं, कोई पैसे दे के एसपी बनेगा, कोई पैसे दे के डीएसपी बनेगा, तो फिर वो तो बलात्कारी के साथ ही जाएगा। फिर जब किसी लड़की के साथ छेड़खानी होगी तो वो बलात्कारी से पैसे लेके पैसे निकालेगा अपने। जब से ये बने हैं एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, पुलिस की एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग में पंजाब में पैसे नहीं चलते, जाके पूछ लो किसी से भी। अगर हमारा सिस्टम ईमानदार होगा, अगर हमारी पुलिस ईमानदार होगी, मजाल जो किसी बेटी के साथ कुछ हो जाए। और कोई कुछ कहना चाहिए?